ये क्या है? कुछ नहीं है बेटा, दे दो मुझे। अम्मी, ये मुझे मेरे तकिए के नीचे से मिला है, किसने रखा? तुम्हारे ऐसे कहने से मुझे बेजान किया था। पता है वो तब तक मेरी जान नहीं छोड़ती थी जब तक मैं पूरा ग्लास फिनिश नहीं कर लेती थी। आप ऐसे नहीं जा सकते। मुझे तो लगता है कि जैसे आप मेरे ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। इससे तो अच्छा था कि मैं ठीक ही ना होती। क्या फजूल बातें कर रही हो? बस मैंने कह दिया ना, नहीं जा रहे आप तो नहीं जा रहे। इतनी सारी मिस कॉल्स, हारिश ने खुद तो इतनी सारी कॉल्स कर ली, मैं कर रही हूं तो पिक नहीं कर। अब तो मैं फोन पे फोन करूंगी। मुझे पता था ये बिजी भी होगा ना, तो मुझे मैसेज जरूर करेगा। भाभी को फोन कर। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम, कैसी हो परीसा? मैं ठीक हूँ, आप सुनाई कैसी हैं और क्या कर रही थी? मैं भी ठीक हूँ। और करना क्या है, अम्मी कुछ करने देंगी तभी करूंगी ना। खैर तुम बताओ, तुम्हारी आवाज बहुत थकी हुई लग रही है। जी भाभी मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने आज घर का कोना कोना साफ किया है, डिटेल में सफाई की आज मैंने घर की। और हाँ, आज शाम को आरिश आएंगी तो फिर मैं चक्कर लगाऊंगी इंशाल्लाह। भाई का फोन आया था आपको? हाँ, बात हुई मेरी आली से, तुम्हारा बहुत पूछ रहे थे। और आज तो मैंने कायनात की भी बात करवाई, यकीन करो उनकी आवाज सुन के इतना मुस्कुरा रही थी। हाँ हाँ भाई, तो हमारा सिर्फ पूछेंगे, बात तो वो आपसे और कायनात से करेंगे, है ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली रात बहुत हो गई थी तो मैंने ही कहा कि आप सो जाएं, सुबह उनकी मीटिंग थी, वो तुम्हें फोन करेंगे, तुमसे बात करेंगे। चलें ठीक है भाभी, मैं आऊंगी तो फिर हम सब साथ बात करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, सही है, शाम को मिलते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे सर, आपने क्यों सर आने की जहमत की, आप मुझे बता देते हैं। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। इट्स ओके मिस्टर हारिश, आपके जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें रिव्यू करके एक फाइनल समरी तैयार कर लें। मुझे नहीं लगता कि वो पर एग्री करेंगे। बॉस देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट बिग बिजनेस हियर, तो ये पॉइंट्स तो अप्लाई करने ही पड़ेंगे। ओके वी विल सी इट, आज बिजनेस डिनर पर ये पैनल कर देते हैं। बिजनेस डिनर आज? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, एक्चुअली वो मैंने अभी तक समरी पॉइंट्स नहीं तैयार किए थे, तो इस वजह से। ठीक है, तो आप अपनी समरी तैयार कर लें, वी विल मीट एट 8:30। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। हेलो भाई, आरिश भैया आज आ गया आपका इम्तिहान।
जी फलक, क्या हाल है? फलक, वो जो अली भाई के लिए अमेरिका वाले डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाए थे वो किसी के हाथ भिजवा दीजिए मुझे। हाँ, मैं उन्हें रीचेक करना चाहता हूँ। एग्जैक्ट। और बताएं ऑफिस में सब ठीक है? ठीक है, एनीथिंग आपने जस्ट लेट मी नो, राइट? टेक केयर। आरिश, मैं रेडी हूँ, चलें भाभी की तरफ। यार परेशान, फॉर्चुनेटली मैं आज नहीं जा पाऊंगा, एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग निकल आई है, मुझे बॉस के साथ डिनर पे जाना पड़ेगा। कौन परेशान, क्या हो गया? मूड तो मत ऑफ करो, कुछ समझने की कोशिश करो। मेरी नौकरी है, मुझे जाना पड़ेगा। नाराज हो रही हो? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, तुम तो जाओ ना। मैं अकेली नहीं जाना चाहती आरिश। परेशा, मुझे नहीं पता है मैं वापस कब तक आऊंगा, तुम इतनी देर घर में अकेली रहो। मैं अकेली रह लूंगी, कोई बात नहीं। परेशा, नई नौकरी है मेरी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वहां पर, मैं उनसे पीछे नहीं हट सकता। अच्छा चलो, तुम्हें इस बात के लिए कॉम्पनसेट करते हैं, कल मैं और तुम किसी अच्छे से डिनर पे जाएंगे और फिर उसके बाद कोई रोमांटिक सी मूवी देखेंगे। ठीक है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ो। नहीं आरिश, मैं थक गई हूँ, इसी बहाने रेस्ट कर लूंगी। क्या हुआ परीसा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ठीक हूँ बिल्कुल, बस थक गई। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द डिनर से फ्री होके आता हूँ, लेकिन प्लीज तुम पीछे से कोई काम मत करो। ओके ठीक है, मैं वेट करूंगी तुम्हारा। बाजी, खाना लगा दूं? नहीं परीसा, आरिश आ जाए तो फिर एक साथ ही खाना खाएंगे। ठीक है बाजी। बेटा काफी देर हो गई है, कॉल करके मालूम तो करो कहाँ रह गए। ठीक है अम्मी, अभी करती हूँ। हाँ शाप। लो परीसा को फोन करती हूँ, इसी का फोन आ गया। हेलो परीसा, कहाँ तुम लोग? भाभी आरिश की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है तो हम नहीं आ सकेंगे आज। क्या बात है परीसा, तुम मुझसे नाराज हो? नहीं भाभी, मैं आपसे नाराज क्यों होंगी? तो फिर तुम अकेली आ जाती, घर में बैठ के वैसे भी क्या करोगी? भाभी मैं असल में बहुत थक गई, थोड़ा सा रेस्ट करना है, सो जाऊंगी बस। और हाँ, हरीश ने वादा किया है मूवी और डिनर का। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह मियां तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा भाभी, अल्लाह हाफिज। परीसा, परीसा, क्या हुआ? ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। फिर सही है, अगर इस बार ये आग तुम्हारे कपड़ों तक पहुंच जाती तो? आरिश पहुंची तो नहीं ना कपड़ों। शट अप, तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं, एहसास नहीं है कि कितनी तकलीफ होती है मुझे जब मैं ऐसा देखता हूं तुम्हें। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता ना तो? आरिश मुझे हुआ तो नहीं ना कुछ, तुम ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे मैंने जानबूझ के अपने ऊपर आग लगाई थी। मैं जानबूझ के मरना तो नहीं चाहती ना। तुमसे तो बात करना ही बेकार। Thank you.
आरिश उठो पानी पी लो। मुझे पानी वानी नहीं पीना। आरिश मैंने कहा ना I'm sorry। अब नहीं होगा ऐसा, तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? कैसे नाराज ना होगा परीस? जानती हो जब मैंने उस जले हुए दुपट्टे को देखा था तो एक ही पल में मेरे मेरे जहन में क्या क्या कुछ आ गया। ऐसा लग रहा था कि मैं शायद तुम्हें दोबारा खोने वाला हूँ और इस बार खुदा ने खास्ता हमेशा हमेशा के। तो मजाक नहीं है। अच्छा ना सॉरी। बस मैंने फैसला कर लिया है तुम किसी औरत का पता करवाओ जो कि घर के काम करती। अच्छा है तुम्हें भी आराम मिल जाएगा और सारे घर का काम भी हो जाया करेगा और कम से कम मुझे इस बात की तसल्ली होगी कि मैं जब दफ्तर जा रहा हूँ तो तुम पीछे से अकेली नहीं। इतना प्यार करते हो मुझसे तो फिर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों किया? तुम पर नहीं। I'm really sorry। ऑफिस में बॉस के साथ थोड़ी सी तल्ख कलामी हो गई थी उसी का गुस्सा आकर तुम पर निकल थी। और प्लीज आज के बाद मुझसे ये मत पूछना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। क्यों? क्योंकि मोहब्बत को नापने का आज तक इस दुनिया में कोई पैमाना नहीं है जो ये बता सके कि कोई भी इंसान किसी दूसरे से कितनी मोहब्बत करता है। तुम्हारी इजाजत तो मैं तुम्हें एक बात याद दिलाऊं। याद है जब तुमने मुझे कॉल किया था कि मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊं वरना तुम अपनी जान दे दोगी? Come on, परीसा, छोड़ दो ना इस बात का पीछा। तुमने सिर्फ मेरा जला हुआ दुपट्टा देखा तो तुम्हारी ये हालत है। जब तुमने मुझे कॉल किया था तो तुम सोच भी नहीं सकते मुझ पे क्या गुजरी थी। वो रास्ता ही नहीं कट रहा था, लंबा रास्ता हो गया था वो मेरे लिए। वो ट्रैफिक, वो शोर, सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा। एक एक लम्हा नहीं काटा जा रहा था। तुम्हारे अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे और एक एक लफ्ज के साथ में मर रही। प्लीज परीसा, ये मर जाने की बात अब फिर कभी मत करना। और एक बात याद रखना कि तुम्हें कुछ भी होने से पहले मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे। पानी पी लो। पानी पियो। मुझे पता है आप पापा को बहुत मिस करती। मैं भी उन्हें बहुत मिस करती हूँ लेकिन मेरी बात तो वो ना समझते हैं और ना ही मानते हैं। मुझे पता है कि वो आपकी बात जरूर मानेंगे। बस अब जब वो आ जाएंगे ना तो आप कह देना कि पापा अब आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे और अगर गए तो मैं आपसे नाराज हो जाऊं और फिर कभी बात नहीं करूंगी। कहो ना। नहीं ना। फिर मेरे का दौरा पड़ा होगा तेरी माँ को। जाजा के जूता दूंगा नहीं तो मार। क्या हुआ तुम रो रही हो? क्या है? क्या हुआ परीसा? सब ठीक है ना? एक मिनट, सब ठीक है ना? तो फिर रो क्यों रही हो? मूवी देखकर रोना। What? ये वाली मूवी देखकर तुम रो रही हो? अरे यार ये तुम लड़कियां इतनी सेंटिमेंटल क्यों होती हो भाई? मूवी है, इसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। आरिश जो रियलिटी होती है वही मूवीज में दिखाते हैं। कमाल है यार, बात को कहां से कहां ले गई हो और शुरू कर दिया रोना। हाँ तो आरिश एक नॉर्मल बंदे की यही निशानी होती है कि अगर कोई हंसने वाली बात आए तो वो हंसता है और अगर कोई रोने वाली बात आए तो वो रोता है। अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं क्योंकि ये फिल्म देखकर रो नहीं रहा तो मैं एबनॉर्मल हूँ? बिल्कुल। मतलब पागल हूँ? बेशक। तुम मुझे पागल समझती हो? तुम किसी से भी पूछ लो वो तुम्हें बता देगा कि तुम पागल हो। वही से मेरी किस बात किस हरकत से कोई भी मुझे पागल कहेगा? ये भी तुम उसी से पूछ लेना। इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ एक पागल के साथ एक साइको के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हो?
बिल्कुल। What? मजबूरी है तुम प्यार नहीं करती मुझसे? Don't you love me? ये तुम्हारी खुशफहमी थी आरिश। किस धोखे में था मैं कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, रह नहीं सकती हो मेरे बगैर। एक तो तुम लड़के इतने सेंटिमेंटल क्यों हो जाते हो, और फिर ऊपर से इतने मोटे मोटे आंसू भी निकल रहे हैं। आंसू नहीं, वो तो मैंने किया था। मुझे पता था तुम जानबूझ के कर रही हो, मैं मजाक कर रहा था। तो आज के बाद ऐसा कभी मत कहना परीसा, चलो फिल्म देखें। जाओ तुम ऊपर से मेरी डायरी लेके आओ और पैसे भी पर्स भी ले आना, ठीक है? क्या बात है बेटा, क्यों इस तरह बैठी हो? कुछ भी नहीं अम्मी। क्यों उदास हो रही हो बेटा, आ जाएगा अली। बताओ। नहीं अम्मी, अली तो आ ही जाएंगे। सोच रही थी कि अब्बू के इंतकाल के बाद आपने मुझे और हानिया को कैसे पाला, कितना मुश्किल वक्त गुजारा होगा आपने। सारी जिंदगी हम दोनों के सर पे साहिबान बनके गुजार दी, कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की होंगी ना आपने, जबकि आप जानती थी कि अबू आप कभी भी वापस नहीं आएंगे। क्या हो गया बेटा तुम्हें, पागल तो नहीं हो गई? आज ही कैसी बातें लेकर बैठ गई हो? थोड़े दिन के लिए आली मुझसे दूर हुए तो उनकी वापसी के दिन गिनना शुरू हो गए। कभी कभी कायनात को लेकर भी परेशान हो जाती, और दिल चाहता है कि आंखें बंद करूं और आली को अपने सामने पाऊं। और आपने तो बेटा, जो वक्त गुजर चुका गुजर चुका, ये सब बातें सोचकर क्यों दुखी हो रही हो? हाँ, दुखी नहीं हो रही अम्मी, बल्कि एहसास हो रहा है कि आप कितनी बहादुर कितनी मजबूत हैं। कभी भी कोई गिला कोई शिकवाई नहीं किया आपने, और ना ही कभी आपको छुप छुप कर रोते हुए देखा। देखा तो सिर्फ यही देखा कि आपने मेरे और हानिये के लिए कितनी परेशानियां उठाई, सिर्फ इस चीज की फिक्र की कि हम लोगों को कोई दुख और तकलीफ ना पहुंचे। कैसे की हमें आपने इतनी हिम्मत? बस बेटा, अल्लाह ने हिम्मत दी मुझे, मैंने अपनी जिंदगी तुम दोनों के सहारे गुजार दी। मेरे सामने सिर्फ तुम दोनों थी, तुम्हारी खुशियां थी। मैंने कोशिश की कि मैं अपने आप को तुम दोनों के सामने दुखी ना करूं। अम्मी, अगर कभी भी अनजाने में भी मैंने आपका दिल दुखाया तो प्लीज मुझे माफ कर दे। बेटा, पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो आज? जैसे अम्मी मेरे दिल में ख्याल आया आपसे कह दिया। नहीं बेटा, अगर तुम्हें मेरी प्रॉब्लम से इतनी ज्यादा चिढ़ हो रही, अगर तुम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती हो तो चली जाओ यहां से। कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़। हारिश, बस, मैंने कहा ना मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ, तुम जाओ। परीसा आपकी तरफ आई हुई है क्या? नहीं तो। अच्छा, फिर कहाँ चली गई? क्या मतलब कहीं चली गई? कुछ नहीं, मैं अभी सुबह को उठा हूँ तो वो घर पे नहीं है, मैंने सारी जगह चेक कर लिया। हारिश ना। परीसा रिलैक्स करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्या हो गया तुम्हें? हाँ,